महाराष्ट्र में महावितरण के निजीकरण को रोकने के लिए सतारा के महावितरण के पदाधिकारी व कर्मचारियों ने सतारा स्थित महावितरण के कार्य के बाहर अदानी वापस जाओ के नारे लगाए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी अडानी कंपनी के पास जा रही है, आम जनता इससे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। महावितरण के निजीकरण को रोकने के लिए 3 जनवरी से 6 जनवरी तक 3 दिनों के लिए जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। लोगों का गुस्सा जो है अब सड़कों पे आ गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोगों का रोष व्याप्त है। अडानी के हाथों ये कंपनी जाने वाली है, इसके लिए लोगों ने प्रदर्शन किया है। कर्मचारी जो है काफी ज्यादा इस फैसले से परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें महाराष्ट्र में महावितरण के निजीकरण को रोकने के लिए सतारा में महावितरण के पदाधिकारी व कर्मचारियों ने सतारा स्थित महावितरण के कार्यालय के बाहर अडानी वापस जाओ के नारे लगाए। अडानी के खिलाफ उनका रोष जो है देखने को मिल रहा है। सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं ये पदाधिकारी और कर्मचारी। और बताया जा रहा है कि ये कंपनी अडानी कंपनी के पास जा रही है, इसीलिए इनमें गुस्सा है। आम जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर रही है। महावितरण के निजीकरण को रोकने के लिए 3 जनवरी से 6 जनवरी तक 3 दिनों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल ये कर्मचारी करेंगे। उन्होंने ऐसी चेतावनी दी है। बता दें यानी कल से इन्होंने ये हड़ताल जारी कर दी है जो 6 तारीख तक चलेगी। और निजीकरण को लेकर जैसे कि हम देख सकते हैं कि लगातार सरकार द्वारा निजीकरण को ज्यादा प्राथमिकताएं दी जा रही है और अब जो है महावितरण का भी निजीकरण करने की बात हो रही है। ऐसे में यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों और पदाधिकारियों का रोष जो है अब सड़कों पर उतर आया है। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होगा कि महावितरण का जो है निजीकरण करे, निजीकरण यानी प्राइवेटाइज करे इसे भी। और 3 तारीख से इनका जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इन्होंने कहा है 6 तारीख तक ये इसका विरोध करेंगे और आगे अगर कुछ नहीं होता है इनके हक में, इनके हक में फैसला नहीं लिया जाता तो आगे भी इनके द्वारा जो है आंदोलन करने की बात कही गई है। सारे कर्मचारी जो है पदाधिकारी समेत सड़कों पर आ गए हैं और पुरजोर विरोध इस निजीकरण का इनके द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र से हम आपको खबर बता रहे हैं। निजीकरण को लेकर यहाँ के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है, नाराजगी कहीं ना कहीं देखी जा रही है सरकार से भी। और अडानी ग्रुप को जो है महावितरण जो है उनका निजीकरण हो जाएगा यानी प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े पदाधिकारी भी इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। किसी भी वर्ग को ये निजीकरण बर्दाश्त नहीं है। सारे कर्मचारी पदाधिकारी सड़कों पर आ गए हैं अपनी मांगों को लेकर। चलिए इसी के साथ इस खबर पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इम्तियाज जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। इम्तियाज, निजीकरण को लेकर जो है कर्मचारियों के साथ साथ पदाधिकारियों में भी यहाँ जो है रोष व्याप्त है, सड़कों पर उतर आया है, क्या कुछ अपडेट्स है? बिल्कुल, सतारा में तकरीबन पूरी महाराष्ट्र में आंदोलन होने जा रहा है और महाराष्ट्र में आज सुबह से आंदोलन चल रहा है। सतारा की हालत है कि सतारा का जो बिजली विभाग है, जो कोयना डैम जहां से महाराष्ट्र को बिजली सप्लाई किया जाता है, उसका एक यूनिट सुबह से बंद हो गया है और सुबह बंद होने के कारण काफी जगह पे सतारा डिस्ट्रिक्ट में काफी जगह पे बिजली बंद है और काफी लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जबकि बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी और आला अधिकारी ये बिजली स्टार्ट करने के लिए नहीं जा रहे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम काम पर नहीं जाएंगे, इस तरह का पवित्र बिजली विभाग के कर्मचारी और सब अधिकारियों ने लिया है। जी, क्या क्या मांग लेकर ये उतरे हैं, इनकी क्या क्या मांगे हैं जिनको ये चाहते हैं कि सरकार सुने? बिल्कुल, इसमें तकरीबन कर्मचारियों की मांगे हैं कि अदानी और अंबानी ने जो ये प्राइवेटाइजेशन करने के हिसाब से जो भी काम का आगे का कदम उठाया है, इसका विरोध बिजली विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं, ताकि इनको जब ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, ये खाजगीकरण हो जाएगा, तो इनका काफी भारी नुकसान होना पड़ेगा, इनके सरकारी फैसिलिटीज इनको नहीं मिलेगी और काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जबकि इनकी जो सैलरी है और ये सैलरी बेसिस पे जो कई सालों से इनकी मांग है, कर्मचारियों का जो फैसिलिटीज मिलती है बिजली विभाग से, कई सालों से बिजली विभाग के फैसिलिटीज की प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से
ये बहुत सी समस्याओं को लेके बिजली विभाग के महाराष्ट्र के कर्मचारी आज अनशन पे बैठे हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो हर एक पद को जो है ये अगर प्राइवेटाइज हो जाता है तो ना ही केवल कर्मचारियों को बल्कि जो अपर लेवल पर जो पदाधिकारी है उनको भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, सबसे ज्यादा नुकसान तो किसानों का हो रहा है। सबसे तकरीबन सुबह से जो बिजली जो खेती के लिए इस्तेमाल की जाती थी, किसानों के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जब से किसानों का अभी गन्ना जो किसान है और गन्ना किसानों का काफी भारी नुकसान हुआ है क्योंकि उनको सुबह से बिजली नहीं हो रही है। जबकि महाबलेश्वर पंजीकरणी स्ट्रॉबेरी किसान है, कुछ यहाँ पे फल उगाने वाले किसान है, जबकि बिजली बंद होने के कारण उनका काफी भारी नुकसान हुआ है। इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में जितनी है, इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, और कब तक ये आंदोलन चलेगा? मतलब इनकी तरफ से कोई तारीख दे दी गई है कि इस यहाँ अगर सरकार ने मांग नहीं सुनी तो क्या आंदोलन की तारीख और बढ़ सकती है? बिल्कुल, सरकार और बिजली के आला अधिकारियों की बात चल रही है महाराष्ट्र में। जब तक, अब तक तो कर्मचारियों के पास से अपडेट्स आए हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये अनशन जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर हमने आपको महाराष्ट्र से बताई जहां निजीकरण को लेकर कर्मचारी और पदाधिकारियों में रोष व्याप्त है।